नमस्कार दोस्तों, राज्यसभा चुनाव जो 2022 में होने वाले हैं वो कितने महत्वपूर्ण होंगे इस पर चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और बीजेपी के लिए अपने 30 सदस्य जुटाना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि उनके पास अभी बहुमत का आंकड़ा नहीं है। 93 हैं उनके पास कुल सीटें राज्यसभा में, उनके 93 सदस्य हैं और सारे बिल पास कराने के लिए उन्हें समर्थन लेना पड़ता है दूसरे ऐसे दलों का, जैसे कि वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, बीजू जनता दल और छोटे मोटे दल। इसके अलावा उसके कई घटक दलों ने उससे दामन छुड़ा लिया है, शिवसेना अलग हो चुकी है और अकाली अलग हो चुके हैं पंजाब में, पंजाब में तो अगले साल चुनाव भी होना है। तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए 2022 के राज्यसभा चुनाव बड़े महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था और सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें जो 2022 में खाली होंगी वो खाली होंगी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर 11 सदस्य अगले साल रिटायर होंगे और इस लिहाज से जो पूरे साल में 71 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से 11 राज्यसभा सीटों के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में। और अब उत्तर प्रदेश में अगले साल नतीजे क्या आएंगे विधानसभा चुनाव के, ये इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए, अगले साल अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 3 पार्ट में सदस्य रिटायर होंगे। अप्रैल में 18 सदस्य रिटायर हो रहे हैं राज्यसभा के, जून में 20 और जुलाई में 33। तो इस लिहाज से ये भी देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से सदस्य कब कब रिटायर होंगे और कब कब उनमें चुनाव होगा, कि उत्तर प्रदेश के चुनाव निश्चित रूप से अप्रैल से पहले हो चुके होंगे। तो इस लिहाज से ये भी देखने वाली बात होगी कि अप्रैल में कितने सदस्य उसके रिटायर होंगे, उसके बाद जून में कितने होंगे, जुलाई में कितने होंगे और जब अगले साल के विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के तो वहाँ पर वो कितनी सीटें जीत कर आएगी। टोटल अगर ओवरऑल उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो इस समय जो 11 सीटें खाली होने जा रही हैं उनमें से 5 तो बीजेपी के पास हैं और बाकी 6 सीटें दूसरे दलों के पास हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी के 2 पूर्व राज्यसभा सदस्य संजय सेठ और सुरेंद्र सिंह नागर के बागी होकर भाजपा में आने के बाद ये सीटें बीजेपी को मिली हैं, ये पिछले साल शामिल हो चुके हैं और ये बदलाव हो चुका है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2017 का प्रदर्शन अगर बीजेपी नहीं दोहरा पाती है तो उसके लिए 5 सीटें जीतना आसान नहीं होगा। पंजाब में अगले साल राज्यसभा की 7 सीटों पर चुनाव होगा और इनमें से 1 सीट फिलहाल भाजपा के पास है, लेकिन पंजाब में अब सियासी तस्वीर बदल चुकी है। अकाली और बीजेपी अलग हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी भी वहाँ एंट्री कर चुकी है और बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति वहाँ बन रही है। कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ राज्यसभा में तो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य 34 हैं और उसकी ताकत में कोई ज़्यादा वृद्धि होने के आसार मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि किसी स्टेट्स में उसका इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा है। उसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुल 4 सीटों का फ़ायदा हो सकता है क्योंकि वहाँ उसने सरकारें बनाई हैं, वहाँ भी सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन असम, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की सीटें उसके हाथ से निकल जाएंगी। असम में अगले साल अप्रैल में कांग्रेस की राज्य यूनिट के अध्यक्ष रिपुन बोरा की सीट सहित 2 सीटें खाली होंगी और इनमें से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए उसे अपने सहयोगी AIUDF जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और यदि AIUDF ने 1 राज्यसभा सीट पर दावा ठोक दिया तो कांग्रेस के लिए स्थिति मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वो भी कहेंगे कि हमारे 13-14 विधायक हैं, भाई 1 हमें भी दे दो राज्यसभा सदस्य, तो इससे कांग्रेस को मुश्किल हो सकती है। हालांकि पार्टी को ये लग रहा है कि पंजाब में अगले साल वह चुनाव जीत जाएगी और उसे राज्य में कुछ सीटों का फायदा हो सकता है। फिलहाल पंजाब में कांग्रेस के राज्यसभा के 4 सदस्य हैं और इन्हें कायम रखने के लिए कांग्रेस को विधानसभा में बम्पर बहुमत हासिल करना होगा। दूसरे अगर या राज्यों की मैं बात करूं तो खासतौर से जैसे कि तमिलनाडु की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो तमिलनाडु में भाजपा की सहयोगी पार्टी जो जयललिता वाली रही है इस बार विधानसभा चुनाव में AIADMK, उनका प्रदर्शन खराब रहा है और राज्यसभा में उसकी स्थिति कमज़ोर ही होगी निश्चित रूप से। और AIADMK के पास राज्यसभा में 6 सदस्य हैं और DMK जिसने सरकार बनाई है उनके सदस्यों की संख्या 7 है, तो तमिलनाडु में फिलहाल राज्यसभा की 3 सीटें खाली हैं और इनमें से 2 पर DMK और 1 सीट पर AIADMK काबिज है।
और इन्हीं के हिस्से में ये आ सकती है। अगले साल राज्य की 4 सीटों पर सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 4 में से 3 सीटों पर डीएमके का कब्जा हो जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि उसकी फुल मेजोरिटी की सरकार बनी है। फिलहाल इन 4 सीटों में से दोनों पार्टियों के पास 2-2 सीटें हैं। अगले साल के राज्यसभा चुनाव के बाद डीएमके सांसदों की संख्या राज्यसभा में दहाई के आंकड़े को पार कर सकती है, यानी कि 10 से ज़्यादा हो सकती है, और ये निश्चित रूप से बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी को आंध्र प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नुकसान होने की उम्मीद है। भाजपा को आंध्र प्रदेश में कि जिन 4 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव अगले साल होगा, इनमें से 3 सीटें इस समय बीजेपी के पास हैं, क्योंकि टीडीपी के 4 सांसद 2019 में पाला बदलकर बीजेपी के साथ चले गए थे। अब यह तीनों सीटें आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस के पास चली जाएंगी। इसी की तरह राजस्थान में अगले साल जुलाई में भाजपा के कब्जे वाली 4 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, और राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस के पास इन सीटों को जीतने का बड़ा मौका है, और कांग्रेस विधानसभा की स्थिति के हिसाब से ये 3 सीटें आसानी से जीत सकती है। इसके लिए कांग्रेस को अपने घर सलामत रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इनके बीच में ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है। कांग्रेस पार्टी ख़त्म होने के कगार पर है, टूट के कगार पर है। सचिन पायलट के समर्थक विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, धरना कर रहे हैं अशोक गहलोत के खिलाफ कि भाई हमारे क्षेत्र में काम नहीं कराया जा रहा है और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हम लोगों को क्या जवाब देंगे। तो इस लिहाज से पिछले साल देखिए कोरोना काल में तो यहाँ पर सरकार अशोक गहलोत की जाते जाते गई थी, जब अपने 19 विधायकों के साथ सचिन पायलट बागी हो गए थे और गुड़गांव जाकर बैठ गए थे धरना देकर, और बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हस्तक्षेप करके टेलीफोन करके उन्हें मनाया था कि भाई आपके हितों का हम ख्याल रखेंगे। इसके अलावा स्वर्गीय अहमद पटेल साहब को तैनात किया गया था कि भाई राजस्थान में आप देखिए कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बात बनी रहे, इनके जो अनबन है वो ख़त्म हो जाए, तो आप प्लीज़ ज़रा हैंडल करते रहिए इन दोनों की स्थिति को। लेकिन अब अहमद पटेल कोरोना काल में स्वर्गवासी हो गए, तो ऐसी स्थिति में सचिन पायलट के समर्थकों को फिर लग रहा है कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, वो बागी हो रहे हैं। तो इस लिहाज से वहाँ पर राजस्थान की जो 3 सीटें हैं उनका आंकड़ा बड़ा मुश्किल सा है। बीजेपी के पास भी वहाँ ठीक ठाक विधायक हैं, तो वो कोशिश कर सकती है उन सीटों को जीतने की, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अगले साल जून में राज्यसभा की 1 सीट खाली हो रही है और वो बीजेपी के हाथ से निकल सकती है, जबकि असम और हिमाचल प्रदेश की अगले साल खाली होने वाली दोनों सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी, क्योंकि असम में मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई है बीजेपी ने, और असम हिमाचल प्रदेश में भी उसकी स्थिति ठीक ठाक है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश के चुनाव आखिर में होने हैं जाकर साल के, तो इस लिहाज से मुझे ये लग रहा है कि हालात थोड़े से बदल सकते हैं, और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी अभी समय है, तो हो सकता है कि वहाँ की सीट भी बीजेपी के हाथ लग जाए। इन सब चीज़ों पर, बाकी स्टेट्स पर हम लगातार फोकस करते रहेंगे, और मुझे लगता है कि 2022 के राज्यसभा चुनाव के लिए भी हमें एक पूरी सीरीज अलग से चलानी होगी, जिसमें मैं डिटेल में इनकी जानकारी लेके आऊँगा। फिलहाल तो मैंने दो एपिसोड बनाए हैं, और पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि बीजेपी को लिए अगला 2022 का साल किस तरीके से महत्वपूर्ण होगा, और इसके अलावा दूसरे एपिसोड में मैंने आज आपको ये बताया कि किस तरीके से बीजेपी अपने कुछ सीटों को अगले साल गंवाने जा रही है। इस बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, और अगर आपको मेरे वीडियोज राज्यसभा चुनाव के अच्छे लगते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि हम लाइव करते हैं, और मैं जब लाइव करता हूं तो रोज़ाना हम आज रात का शो करते हैं 10:30 बजे, उसमें आप सब लोग भाग ले सकते हैं, और देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं, तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है, और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो सोच कर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी,
एंड आप लोग जरूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।